आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोटापा या ओबेसिटी, और मैं सुन रहा था ओबेसिटी का इफेक्ट खाली अपने नीच पे नहीं आता है, उसकी बॉडी के सभी भागों पे इफेक्ट आती है। कुछ साल पहले जब PST में उन्होंने जब सबका बॉडी मास इंडेक्स देखा तो देखा कि 51% लोग मोटापा से बीमार है। तो ये मोटापा क्या है? नॉर्मली हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स या आजकल जो पेट का जो गर्ल्स होता है वो भी देखते हैं, और ये वैल्यू वेट डिवाइडेड बाय हाइट उसके ऊपर से निकाला जाता है। तो अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 23.5 से ज्यादा है तो हम ओवरवेट हैं, और अगर 30 से ज्यादा है तो हम ओबीस हैं, बहुत ज्यादा है। उसी तरह अगर हमारा एब्डोमिनल गर्थ विमेन में 80 से ज्यादा हो और मेन में 90 से ज्यादा हो तो ओबेसिटी कहा जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको ये सब आपको नेट पे भी मिल सकता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट कितना होना चाहिए, ये रेडीमेड चार्ट आपको मिल सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं अपना अपना वेट एडजस्ट करने की। और जब हमारा वेट ज्यादा होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हमें डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा होता है, ज्यादा करके आज डायबिटीज का प्रमाण बढ़ा है वो उस कारण कि लोगों का वेट ज्यादा है। जिन लोगों का वेट ज्यादा है उनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, और ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है, मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये तीन के कॉम्बिनेशन के आज सब बीमारी है। हार्ट की बीमारी तो इसके कारण, पैरालिसिस तो भी इसके कारण, किडनी की बीमारी तो भी इसके कारण। तो आप देख सकते हैं अगर डॉक्टर अली के हिसाब से हम फॉलो करते हैं तो ये तीनों बीमारी हमें नहीं होती, और ये तीन बीमारी नहीं होती तो हमें हार्ट, ब्रेन, किडनी की बीमारी नहीं होती। नी जॉइंट का प्रॉब्लम, तो हमारा पूरा वेट नी पे आता है, और अगर हमारा वेट लंबे समय तक नी पे रहता है तो हमें आर्थराइटिस हो जाता है, और ये आर्थराइटिस कोई भी तरह से अच्छा नहीं होता, ये खाली वजन के कारण है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वजन है, आर्थराइटिस होता है, हमारा चलना कम होता है, लेकिन खाना उतना ही रहता है, हमारा वजन और बढ़ता है और ये साइकिल बनती रहती है। जब हमारा आर्थराइटिस का पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 5 दिन के लिए आपको पेन किलर गोली लिख के देते हैं, लेकिन आप वो प्रिस्क्रिप्शन को बराबर संभाल के रखते, फिर आप डॉक्टर के पास जाते नहीं है, चेक नहीं करवाते, और केमिस्ट के पास जाके बोलते हैं हमें ये गोली दो, और ये पेन किलर गोली बार बार खाने से आपकी किडनी जल्दी से खराब होती है। तो ओरिजिन सब का है ओबेसिटी। कभी कभी हमें सलाह देने वाले लोग रहते हैं कि आप ये दवाई खाते हो उससे अच्छा आप दूसरी दवाई खाए, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक चीज आप सबको समझना है कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसका फायदा ही है और जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, वेदर वो एलोपैथी दवा है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है या यूनानी। एलोपैथी दवाई का फायदा ये है कि आप नेट पे जाके देख सकते हो कि ये दवाई क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, उसकी साइड इफेक्ट। दूसरी दवाई आपको पड़ी की दी जाती है, आपको पता ही नहीं कि क्या है, तो कैसे हम वो सब दवाई लेते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें ऐसी कोई दवाई को हाथ नहीं लगाना चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। ये दवाई हमारी लीवर को खराब कर सकती है, किडनी को खराब कर सकती है, ये मानना एकदम गलत है कि साइड इफेक्ट खाली एलोपैथी दवा की होती है और आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी दवाई की साइड इफेक्ट नहीं होती है, ये एकदम गलत है। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज आपको लेके जाना चाहिए,
कि कोई दवाई को हाथ मत लगाओ जब तक आपको जरूरत नहीं है, और हाथ लगाते हो तो उस दवा को लगाओ जिसके बारे में आपको सब पता हो। जब आपका वजन ज्यादा होता है और आपको कोई सर्जरी की जरूरत पड़ो तो एनेस्थीसिया का भी कॉम्प्लिकेशन, जिसका वेट ज्यादा है उसको ज्यादा हो सकता है। उनको नींद में भी तकलीफ होती है, उनकी जबान पीछे पड़ती है तो सांस नहीं ले सकते, तो बराबर नींद नहीं आती, तो उनको दिन भर ऐसा ड्राउजी ड्राउजी लगता है, और विमेन में पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब हमारा वजन ज्यादा होता है तो होने का रिस्क ज्यादा रहता है। हम क्या कर सकते हैं? सिंपल है, बहुत सारी क्लिनिक खुल गई है, 1 किलो वजन कम करने का 1,000 रुपया, 5,000 रुपया। लेकिन सिंपल चीज ये है कि अगर ये हमारा बॉडी बैंक है, हम कितना डिपॉजिट करते हैं, हम कितना स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर हमारा बैंक बैलेंस डिपेंड करता है। तो सिंपल चीज ये है, अगर आपका खाना कम कर दो, समोसा है, बटाटा वड़ा है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, वो कम कर दिया तो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको ये सब क्लिनिक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम खाना कम करते हैं और खाने में ज्यादा करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं तो हमारा कैलोरीज इतना अंदर नहीं जाता है, और साथ साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्पेंडिंग ज्यादा होता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर हमें वेट लॉस करना है तो डिपॉजिट कम करना है, स्पेंड ज्यादा करना है, हमें कोई सोफिस्टिकेटेड क्लिनिक की जरूरत नहीं। अब देखते हैं डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज दुनिया भर में काफी प्रमाण में बढ़ गया है, और उसका कारण है मोटापा, हमारे खाने की लाइफस्टाइल, हमारे रहने की लाइफस्टाइल। आज हमारा एक्सरसाइज कंप्लीटली चला गया, अगर हमें जाना है कहीं तो घर से लिफ्ट में उतरे, पहले तो स्टेयरकेस लेते थे, सीधा गाड़ी है, उधर ड्राइवर आ गया, ऑफिस पहुंच गया, वहां लिफ्ट लेके पहुंच गए, जरा भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्सपेंडिचर है ही नहीं। और ऑन द अदर साइड हमारा खाना तो बढ़ ही गया है, कुछ भी अच्छा हुआ चलो पेटाका, चलो अच्छी होटल में गए, चलो पार्टी बनाई, ये सब में क्या है, खाना ही तो है। तो एक बाजू से हमारी एक्टिविटी कम हो गई, एक बाजू से हमारा खाना ज्यादा हो गया, और ये कॉम्बिनेशन के कारण डायबिटीज का प्रमाण बहुत बढ़ गया। और हम सोचते हैं कि डायबिटीज जो लोग अमीर है उन लोगों को होता है, ऐसी बात नहीं है। आज सब खाना काफी चर्बी वाला हो गया, अमीर हो गरीब हो सब जगह ओबेसिटी बढ़ गया है। तो सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि खाने में कैलोरीज का प्रमाण कम होना चाहिए, सिंपल फूड लेने से और एक्सरसाइज करने से हम ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते। आज इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन गया है, क्योंकि हमारे समझने में मिस्टेक है, हम समझते नहीं। छोटा बच्चा होता है, माँ पीछे ही पड़ती है कि खाना का भारत। देखो हर एक व्यक्ति को पता है उसको कितना खाने की जरूरत है, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे को भूख लगेगी तो वो खा लेगा, आप ज्यादा खिला खिला के उसको बचपन से ही उसका वजन बढ़ जाता है। बहुत प्रमाण हमारे देश में बढ़ गया है, और सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि आज 100 लोगों को डायबिटीज हो, उसमें से 40 लोगों को पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है, चेक ही नहीं करा है, और कभी चेक कराते अगर मार लग गया और वो बराबर हील नहीं होता है तो सोचते हैं कि क्या डायबिटीज होगा। तो या जैसे आज कैंप रखा और उस कैंप में हमने चेक करवाया तो पता चलता है कि डायबिटीज है। तो बहुत बार लोगों को डायबिटीज है उसके बारे में पता ही नहीं, और जब पता नहीं होता है तो ध्यान नहीं रखते हैं, और जब पता चलता है वो तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं क्यों कुछ करूं, ध्यान नहीं रखते। और आज सबसे इम्पोर्टेंट कॉज किडनी की बीमारी का है,
आज 100 लोगों को अगर किडनी फेल होती है उसमें से 50 से 60 लोगों की किडनी फेल होती है डायबिटीज के कारण। आज किडनी फेल होना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। ठीक है, साइंस के प्रोग्रेस से आज थोड़ा सा ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट उतना इजीली नहीं मिलता है। अगर हम डायबिटीज को प्रिवेंट करते हैं, अगर हम डायबिटीज को अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट। अगर हम डायबिटीज हमें हो गया, क्योंकि खाली ओबेसिटी नहीं है, थोड़े जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं। अगर पिताजी को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होने का चांस 37% रहता है। दोनों पेरेंट्स को रहता है तो ऑलमोस्ट 65% चांस रहता है। लेकिन उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सिंपल खाना लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो हम ये डायबिटीज को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर कोई कारण से हो गया, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आज अपने पास काफी दवाइयां हैं, लाइफस्टाइल चेंज करके दवाई लेके हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम सब अवॉइड कर सकते हैं। तो अपने देश में डायबिटीज इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि मोटापा ज्यादा है, मैंने बताया, वैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, एक्टिविटी कम हो गई, खाने में हम काफी शुगर फैट लेते हैं, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। लेकिन मैं मानता हूं कि किसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, और अगर स्ट्रेस नहीं रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस सबकी लाइफ में होना जरूरी है, तो ही हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। अगर आप फास्टिंग है तो आपका ब्लड शुगर 70 से 100 तक रहना चाहिए, और 2 घंटा खाने के बाद 140 से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो समझना है कि आपको डायबिटीज है। आजकल एक 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर क्या है वो टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं HbA1c। वो अगर 6.5 से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है। तो डायबिटीज का डायग्नोसिस करना डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज है, पहले से वो एक्शन लेते हैं तो वो बढ़ता नहीं। अगर वो वेट लॉस करते हैं तो वो ट्रीट भी हो जाता है। लेकिन ज्यादा करके लोगों में डायबिटीज रिवर्स इसलिए नहीं होता कि लोग लाइफस्टाइल में चेंज करते ही नहीं, दवाई भी बराबर लेते हैं ही नहीं, उसके कारण डायबिटीज चालू रहता है। और जब ये डायबिटीज लंबे समय तक रहता है, अनकंट्रोल रहता है, तो हमारे शरीर के भागों पे इफेक्ट आती है। 2 प्रकार के ज्यादा करके डायबिटीज है। एक जो छोटी उम्र में आ जाता है उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब भगवान ने हमारे शरीर में एक सिस्टम दी है जिसको कहते हैं डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम पहचानती है कि मेरे शरीर का भाग कौन सा है और बाहर का कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जहां घूमते फिरते हैं वहां बहुत जंतु रहते हैं, हम श्वास लेते हैं, खाते हैं, बहुत सारे जंतु हमारे शरीर में जाते हैं। लेकिन ये जब जंतु हमारे शरीर में जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम पहचान लेती है ये मेरे शरीर का भाग नहीं है, खत्म कर देती है। बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। कभी कभी ये सिस्टम मिस्टेक करती है और हमारे शरीर के भाग को फॉरेन समझती है, बाहर का समझती है, और उसको डैमेज करती है। तो जब पैंक्रियास के अंदर सेल्स रहते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमें डायबिटीज होता है। ये 100 में से 1 या 2 केस में रहता है, कॉमन नहीं है अपने देश में। ज्यादा करके जो डायबिटीज है वो टाइप 2 है, जो मोटापा के कारण, अनकंट्रोल खाने के कारण, एक्टिविटी नहीं होने के कारण, ये है टाइप 2 डायबिटीज। और जिनको टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है, उन विमेन में जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज आ सकता है, और वो प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज चला जाएगा, लेकिन लंबे दर्जे में उनको डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है।
अब डायबिटीज है वो हमें कैसे पता चले? तो हमने बताया वैसे ज्यादा करके कोई सिम्टम्स नहीं होते। कभी कभी सिम्टम्स क्या होते हैं, जब शुगर ज्यादा रहता है और यूरिन में जाता है तो हमें यूरिन ज्यादा प्रमाण में होता है, शुगर यूरिन में लूज होता है। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड ज्यादा यूरिन होना, ज्यादा भूख लगना और उसके बावजूद हमारा वजन कम होना, तो समझना कि डायबिटीज है। और अगर किधर मार लगता है तो उसकी रूज नहीं आती है तो समझना कि डायबिटीज हो सकता है। तो हमने आपको मोटापा के बारे में बताया, डायबिटीज में अभी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर यहाँ बांध के चेक करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, अच्छा ब्लड प्रेशर रहना इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि हमारे देश में 100 में से 40 लोगों को, मतलब 18 साल की ज्यादा उम्र वाले 40 लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, 100 में से 40 लोग, तो कितना कॉमन है ये ब्लड प्रेशर। और मैं मानता हूं कि डायबिटीज कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरा भी डिफिकल्ट नहीं। अगर आपको एक गोली लेनी पड़ती है तो प्लीज लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि क्या मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग गोली लूंगा, वैसा मत सोचिए। और अगर कोई कहता है कि तुलसी का पान लो आधा घंटा, उसको गर्म करो, वो सब करो, वो सब ठीक है, टाइम है आपके पास, करो। अगर एक गोली लेने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है तो कंट्रोल रखो, बहुत फायदा है लंबे दर्द। नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए जो यंग रहते हैं, और यंग मतलब 18 से 65 साल, 65 साल तब सब लोग यंग है। अगर आप उस एज ग्रुप में है, आपका वजन रहना चाहिए 120-130 ऊपर का और 80 से 85 नीचे का। जिसको उम्र 65 से ज्यादा है उनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 140-90 ठीक है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी खून की नली थोड़ी नैरो होती है, ये जरा कॉम्पेंसेटरी है, हमें ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर भी दो प्रकार के हैं। हम जब किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम चेक नहीं करते हैं ब्लड प्रेशर किस कारण से। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डॉक्टर कहते हैं कि ये तपास कराओ और ये दवाई शुरू करो, दवाई शुरू कर देते हैं लेकिन तपास नहीं करते हैं, और जब दवाई चालू है तब वापस ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया और फिर दवाई बंद कर देते हैं। आपका ब्लड प्रेशर ठीक था उसलिए कि आप दवाई ले रहे थे, अब आप दवाई बंद करेंगे तो वापस बढ़ ही जाएगा और फिर आपको कोई पता नहीं चलता। तो जब भी किसी को कोई बीमारी है तो ऐसा मत सोचो कि क्या गोली ले लो, ये बीमारी क्यों है। अगर मुझे रोज सर दुखता है वो नॉर्मल नहीं है, मुझे चेकअप करवाना चाहिए कि मेरा सर क्यों दुखता है। अगर मुझे रोज पांव में दर्द है तो मुझे चेकअप करना चाहिए। कभी एक आध बार हमने ज्यादा काम कर लिया, लंबा समय काम किए और हेडेक हुआ, क्रोसिन लिया, ठीक। लेकिन अगर हमें रोज हो रहा है वो गलत है। तो ब्लड प्रेशर क्यों है उसका भी चेकअप करना बहुत जरूरी है। और हम सबसे पहले कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जिसका ज्यादा है उसका किडनी चेक करना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने का काम ज्यादा करके हमारी किडनी करती है। तो एटलीस्ट अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो किडनी का फंक्शन चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमने सब चेक किया और सब टेस्ट नॉर्मल आए तो हम कहते हैं कि प्राइमरी, हमें मेडिसिन में डॉक्टर्स को कहना बुरा लगता है कि मुझे पता नहीं है, तो एक टर्म बनाते हैं प्राइमरी, इडियोपैथिक। सिंपल चीज ये है कि मुझे इसका कारण पता नहीं है। और दूसरा है कि उसका कोई बेसिक कारण है, जैसे कि किडनी का फंक्शन कम है, या जिस खून की नली से किडनी को खून मिलता है वो बारीक हो गई है, उसको हम ठीक कर सकते हैं।
इसीलिए हमें इस कारण से ब्लड प्रेशर है उसकी जांच जरूर से करवानी चाहिए। अगर हमें उसका कारण पता चलता है तो उसको ठीक करने से ब्लड प्रेशर चला जाता है, हमें हमेशा दवाई नहीं लेनी पड़ती। ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसका सिम्टम क्या, जिस तरह डायबिटीज के ज्यादा करके सिम्टम नहीं है, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा रहता है कोई सिम्टम नहीं होता। कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो सर दर्द बार बार होता है और लोग चेक नहीं कराते। सर दर्द हुआ, हमने सेरिडोन ले लिया, ब्रूफेन ले लिया, कॉम्बिफ्लेम ले लिया, ये सब दवाई पेन किलर किडनी के लिए अच्छी नहीं है। सेफेस्ट पेन किलर है पैरासिटामोल, जो कैल्पोल क्रोसिन दोनों के नाम से मिलती है। दूसरी सब पेन किलर किडनी के लिए अच्छी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, ये सब पेन किलर लेते हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होती है, पेन किलर से किडनी खराब होती है, किडनी खराब होती है, ब्लड प्रेशर और बढ़ता है और एक साइकिल डेवलप। तो अगर हम चेक शुरू के दबके में करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। और डायबिटीज ब्लड प्रेशर मोटापा होता है तो क्या होता है, आप देख सकते हैं नॉर्मली हमारी खून की नली जो है उसका आप डायमीटर देखो कितना बड़ा है, और जब हमें मोटापा होता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होता है तो आप देखो ये सब कचरा जम जाता है और ये जो पूरा खून का ल्यूमेन रहता है, जो नली रहती है वो बारीक हो जाती है और फिर हार्ट को खून नहीं मिलता तो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन को खून नहीं मिला तो पैरालिसिस होता है, किडनी को खून नहीं मिला तो किडनी फेल होती है, पांव को खून नहीं मिला तो गैंग्रीन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो ये सब बीमारी अगर हम मोटापा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो होता है। तो क्या करना चाहिए, सबको पता है लेकिन नहीं होता है, प्रिवेंट करना चाहिए। और अगर और प्रिवेंशन के लिए सभी माताओं को मेरा एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है कि बच्चे के पीछे मत पड़ो, खिलाओ मत। ये ओबेसिटी का प्लांट हम बचपन से ही डालते हैं, अगर बचपन से उनकी उनका वजन ज्यादा नहीं है तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ के काम होगा, तो जबरदस्ती मत खिलाइए। अगर हमें ये मोटापा डायबिटीज ब्लड प्रेशर है तो जरूर हमारा लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस कीजिए, ज्यादा करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सीरियल्स खाइए, अवॉइड कीजिए तली हुई चीज फरसान मिठाई वो ज्यादा करके अवॉइड कीजिए। उसके साथ साथ जिम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्या है कि वॉलंटरी अपने से होता नहीं है, डेली उतना डिसिप्लिन हमारे में नहीं आता है। जब हम कुछ जिम ज्वाइन करते हैं दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनको देख के हमें भी करना मन हो जाता है। तो ऐसा कुछ करना इम्पोर्टेंट है जिससे आपकी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज बहुत शुरू हो जाए। अगर किसी को हुआ अर्ली डिटेक्शन होने से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अच्छा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से हमें उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब पता होने के बावजूद बहुत सारे लोग मोटापा का ध्यान नहीं रखते हैं, डायबिटीज का ध्यान नहीं रखते हैं और ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं है, कहते कि अभी तो हमारा टाइम है एंजॉय करने का, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये सब साइलेंट बीमारी, आगे जो होगा वो देखना बहुत ही डिफिकल्ट है। और जब होता है, समझो किसी को 40 साल की उम्र में डायबिटीज हो गया, 55 साल की उम्र से उसको ये सब बीमारी शुरू हो जाएगी, उसका सामना करना डिफिकल्ट होता है। आज 55 साल की उम्र में आप यंग है, बहुत सारा कर सकते हैं और ये सब बीमारी आ जाती है तो तकलीफ होती है। तो थोड़ी सी केयर लेके, खास करके सिंपल चीज आपका लाइफस्टाइल चेंज करो। और लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप शुरू में जब ट्रीटमेंट लो, जिसको ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसकी बॉडी ज्यादा ब्लड प्रेशर से यूज्ड है,
थोड़ा कम करो तो उसको अच्छा ना भी लगे और वो थोड़े समय में बल्ब भी करे और उसको इमीडिएट फायदा नहीं दिखता है। मैंने ये दवाई शुरू की, मुझे कुछ फायदा नहीं दिखता है, मैं क्या चाहता हूँ। तो लोग दवाई बराबर लेते नहीं है। तो हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करना है, वेट कंट्रोल रखना है और रेगुलर मॉनिटर करना है। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा सब कंट्रोल में है, मुझे क्यों डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर बोले आपकी ट्रीटमेंट चेंज नहीं करे, लेकिन 3 महीने में एक बार आप जाएंगे, अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको एटलीस्ट रिमाइंडर रहेगा। तो 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार एक विजिट कीजिए, आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि ये सब बीमारी अनकंट्रोल नहीं है। तो हम आपको एक केस बताएंगे जो टिपिकली हम किस प्रकार के केस देखते हैं। तो एक 40 साल का एग्जीक्यूटिव था, बड़ी कंपनी में बड़ा बॉस था, बड़ी पोजीशन पे था। तो ऐसे कैंप रखा था हमने कॉर्पोरेट ऑफिस में, उसका चेकअप में पता चला कि उसको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, और वो बहुत ही बड़ी पोस्ट पे था, बहुत बिजी था, तो उसने कुछ ध्यान नहीं रखा। एक्चुअली उन्होंने ही हमको बुलाया था कि हमारे ऑफिस में आओ, हमें सबका चेक करना है, लेकिन उन्होंने ये बीमारी के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखा। और 10 साल के बाद वो ट्रेवल भी बहुत करते थे, तो उन्होंने देखा कि जब लंबा ट्रेवल करते हैं तो उनका पांव में सूजन आता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं लंबा ट्रेवल करता हूं उसके लिए सूजन आता है, लेकिन वो ट्रेवल पहले भी करता था तब सूजन नहीं आता था, ये नया प्रॉब्लम है ना, सूजन आना नॉर्मल नहीं है। अगर किसी को सूजन आता है वो बराबर नहीं है, उसकी जांच करनी चाहिए। किसी को लंबा बैठने से, लंबा ट्रेवल करने से सूजन नहीं आना चाहिए। हमारे बॉडी में सिस्टम इतनी अच्छी है कि सूजन नहीं आना चाहिए। सूजन आना मतलब बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी उसने इग्नोर कर दिया। जब सूजन बढ़ती गई और फिर उसको लंबा ट्रेवलिंग के टाइम नहीं, वैसे भी उसको सूजन रहना लगा, तो वो डॉक्टर के पास गए। अब देखो उसका ब्लड प्रेशर 170-120 था, उसका ब्लड प्रेशर 300 था। उसको बताया कि थोड़ा सा यूरिन और ब्लड का टेस्ट करो, और यूरिन में प्रोटीन जा रहा था। जब हम यूरिन चेक करते हैं तो नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन नहीं होना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप ब्लड टेस्ट करते हो या यूरिन टेस्ट करते हो तो आपका जो वैल्यू रहता है उसके राइट साइड पे नॉर्मल क्या होना चाहिए वो होता है। तो अगर वो नॉर्मल नहीं है तो आप डॉक्टर के पास डिस्कस कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, यूरिन में प्रोटीन आता है सोचते नहीं है। यूरिन में जरा भी प्रोटीन नहीं जाना चाहिए, प्रोटीन जाना मतलब किडनी वीक है। तो उसका यूरिन में प्रोटीन जा रहा था। जब डायबिटीज लंबे समय से होता है तो हमारी आंख भी कमजोर हो जाती है, तो उस एग्जीक्यूटिव की आंखों में भी डायबिटीज का इफेक्ट आया। उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसके हिसाब से डॉक्टर तो बदलते रहता है, अपना काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, अपना काम भी इम्पोर्टेंट है, अपनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो उसने उतना ध्यान नहीं रखा, शुगर ज्यादा ही रहा, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा। एक दिन उसको काम करते करते बहुत ही दम लगा, सांस फूलने लगा, तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके गए, कार्डियोग्राम निकाला तो पता चला कि उसको हार्ट अटैक है। उस समय टेस्ट किया तो ब्लड में एक पदार्थ है जिसको कहते हैं क्रिएटिनिन, उससे हमें किडनी का फंक्शन पता चलता है, वो थोड़ा सा ज्यादा था। तो उनका हार्ट पे इफेक्ट थी, उनकी हार्ट की खून की नली बारीक हो गई थी, इमीडिएटली एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की, वो ठीक हो गए, हार्ट का सिम्टम चला गया, लेकिन उसकी डायबिटीज, उसकी किडनी की तकलीफ वो तो थी, वापस वो भूल गए। फिर उसे पता चला कि मेरी किडनी खराब है, वो डर गया, चलो मैं बाबा के पास जाता हूँ, ये एलोपैथी दवाई से तो बहुत साइड इफेक्ट्स है। तो बाबा के पास चला गया, साधु के पास चला गया, कुछ भी पड़ी की लेने लगा। जो किडनी उसकी 10 साल चल सकती थी वो एक 6 महीने में खराब हो गई, थोड़े से महीनों में उसकी किडनी खराब हो गई।
जब किडनी खराब होती है हमारा शुगर कैसे कंट्रोल में रहता है, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलता है, किडनी के द्वारा। तो जब हमारी किडनी खराब होती है तो इंसुलिन शरीर में लंबा समय रहता है। तो जिन लोग का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है उनका भी एकदम कंट्रोल में आ जाता है, तो वो खुश हो गया, ये बाबा की दवाई से मेरा डायबिटीज अच्छा हो गया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि उसकी किडनी खत्म हो, तो उसका किडनी कंप्लीटली खराब हो गया था और उसे डायलिसिस पे जाना पड़ा। तो ये छोटी उम्र है ना, 40 साल की उम्र से शुरू हुआ, 55 साल पे उसका ये सब प्रॉब्लम हुआ, जिसको अगर थोड़ा सा उसका लाइफस्टाइल चेंज होता तो वो उसको अवॉइड कर सकता था। तो आज का मैसेज मेनली हमारा ये है कि हम ये नहीं सोचे कि जो आगे वो प्रॉब्लम है उसको हम थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करने से कंट्रोल में रख सकते हैं, तो जरूर करें। तो हमारा आज का कहने का मतलब ये है कि आज मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रमाण बहुत बढ़ गया है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। बहुत सारे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लोगों को ये भी पता नहीं कि उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, और जिनको है वो लोग बराबर कंट्रोल नहीं करते, और इसके कारण हार्ट, ब्रेन, किडनी की बीमारी बढ़ती जाती है। तो मैसेज कि हम ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं और अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इसीलिए हमने एक ये प्रोग्राम शुरू किया ग्लोबल हॉस्पिटल में, वॉक विद अ डॉक्टर। जो प्रॉब्लम हमारे देश में है वो दुनिया भर में है। सो अगर आप पहले से ध्यान रखते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। दूसरा, आप किसी को बहुत ही बड़ी गिफ्ट दे सकते हैं, विच इज द बिगेस्ट गिफ्ट, लाइफ। बार बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं, बहुत ही एडवांस बीमारी है, सीरियस है, और फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कितना भी खर्चा हो करो हमारे पेशेंट को बचा, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी है तो नहीं कर सकते। तो द बिगेस्ट गिफ्ट जो कोई भी दे सकता है वो लाइफ है। अगर हम थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो हम तो हेल्दी रहते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद हम उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है, जिसका किडनी फेल हो चुका है, जिसका लीवर फेल हो चुका है, जिसका हार्ट फेल चुका है, उनको ट्रांसप्लांट के अलावा जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। अगर हम जाते जाते हमारे हेल्दी ऑर्गन्स उनको दान करते हैं तो वो जिंदा रह सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कैसे हम लाइफ गिफ्ट कर सकते हैं अगर हम अंगदान करते हैं? तो हम सब लोगों को पता है कि मृत्यु तब होता है जब हमारा हार्ट, जब आप हॉस्पिटल में आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड को देखने जाएंगे, स्कोप पे देखेंगे, उसका हार्ट का स्कोप पे रिदम दिखता है। जब ये हार्ट का रिदम बंद हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम समझते हैं कि मृत्यु हो। जब हम पल्स फील करते हैं, हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ सुनता नहीं है। इसके बाद हम ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकते। ज्यादा करके घर में जो मृत्यु होता है वो हार्ट बंद हो जाता है। जब हार्ट बंद हो जाता है तो पूरे शरीर को खून नहीं मिलता, उसका भी मृत्यु होता है। खून नहीं मिला तो कोई भी भाग जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन डेथ तब भी होता है जब हमारा ब्रेन का डेथ होता है। हमारे हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हम जो श्वास लेते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो कभी कभी बड़े एक्सीडेंट में हेड इंजरी होता है या ब्रेन हेमरेज हो गया, और समझो ब्रेन डेथ हो गया, पेशेंट है आईसीयू में वेंटिलेटर के सपोर्ट पे, थोड़े घंटों के लिए उसका हार्ट चलेगा, उसका ब्रीथिंग को चालू रखते हैं हम। उस पीरियड में जब फैमिली कंसेंट करती है
तो उसके शरीर के सब भाग यूज किए जा सकते हैं, हार्ट, दो लंग्स, लीवर, दो किडनी, ये सब भाग किसी को दान में दे सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और हम किसी को लाइफ दे सकते हैं। आज का हमारा दो इम्पोर्टेंट मैसेज है, ज्यादा करके हमें लाइफस्टाइल चेंज करके हेल्दी रहना है, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम जाते जाते बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।